अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। हमारा न्यूज़ चैनल में आप सभी भाई का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग हमारे प्यारे भाई। अब इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा सऊदी अरब की बेहद ज़रूरी लेटेस्ट न्यू अपडेट और इंडिया से सऊदी के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की टिकट के हवाले से भी अपडेट है, उसके बारे में आपको बताऊँगा और भी बहुत सारे अपडेट होगा इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर ही देखिएगा ताकि आपको पूरी अपडेट की जानकारी सही और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए, फिर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहे हमारी तरफ से मेरे प्यारे भाई। चले सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा उर्दू में उसका स्क्रीनशॉट है, जिनको कि आप खुद भी देख सकते हैं। सऊदी अरब के अंदर पिछले एक हफ्ते में जो कि 16,151 लोगों को गिरफ्तार किया है, ये 30 सितम्बर से जो कि 6 अक्टूबर तक इन लोगों को गिरफ़्तार किया। ये वो लोग हैं जो लोग सऊदी अरब में समझो तो गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे थे। गैर कानूनी किस तरीके से, जैसे कि जिसका एकामा ख़त्म हो गया, जो लोग कफील से भागे हुए हैं और जिनका कफील ने हरूफ लगा दिया है, जो लोग बॉर्डर से पार होकर के सऊदी अरब के अंदर आकर के काम कर रहे थे, ये समझो तो इस कैटेगरी में ये लोग काम कर रहे थे। लेकिन सऊदी पुलिस ने समझो तो बहुत सारे लोगों को इस टाइम पकड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। जी हाँ मेरे भाई, चेकिंग चल रहा है सऊदी अरब के अंदर। अगर आप भी इस तरीके से, अगर सऊदी अरब में कोई भी अगर भाई हैं, तो जितना जल्दी हो सके अपने एमबीसी से या कफील से रابطہ करके अपना काम को सुलह कर लीजिए तो आपके लिए अच्छा होगा। चलिए इसी के साथ और अपडेट की मैं जानकारी आपको दे दूँ, जो कि इसका भी मैं स्क्रीन शॉट लगा दी हूँ, जिनको कि आप खुद भी देख सकते हैं। सऊदी एयरपोर्ट पर जीजान के इलाके में किंग अब्दुल्ला एयरपोर्ट एक है, जो कि वो भी एक समझे तो एयरपोर्ट है। उसमें कुछ लोग ऐसे ही हैं जो कि सफ़र करते हैं, उसमें आज एक हमला किया गया। जी हाँ मेरे भाई, उसमें हमला हो जाने के वजह से समझे तो 10 व्यक्ति जो कि घायल हो गए हैं, उसमें कुछ लोगों की जान भी गई है, जो कि इसमें खारजी ही लोग थे। तो हमला हो जाने के वजह से इतने सारे लोग जो कि घायल हुए हैं, कुछ व्यक्ति की जो कि समझे तो जख्मी भी हुई है। मैंने सोचा आपको जानकारी दे दूँ इस चीज़ की भी ऊपर। चलिए इसी के साथ और अपडेट की भी मैं जानकारी दे दूं, जो कि इसका भी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूं, जिनको कि आप खुद भी देख सकते हैं। अभी सऊदी अरब के अंदर जो लोग हज या उमरा करने के लिए आएंगे, उनको एयरपोर्ट के ऊपर लाइन लगाने की कोई भी ज़रूरी नहीं है, फिंगर देने के लिए या समय तो स्कैन करने के लिए, कोई चीज़ करने के लिए लाइन लगाने की ज़रूरी नहीं है। सऊदी एयरपोर्ट पे उतरने के बाद आपको कुछ ऐसे ही कागज़ जो कि दिखाने होंगे, समझो तो डॉक्यूमेंट्स होगा आपके पास, उनको देख करके आपको छोड़ दिया जाएगा। आपको अपना खुद से मोबाइल से ही सारा सिस्टम करना होगा। जी हाँ मेरे भाई, तो समझो तो बहुत ही अच्छी अपडेट है। पहला चरण में 10 लाख लोगों को समझो तो ये फ़ायदा होगा। जी हाँ मेरे भाई। चलिए इसी के साथ और अपडेट की मैं जानकारी दे दूँ, सऊदी अरब का कोरोना का अपडेट जो कि 9 अक्टूबर का अपडेट है। आप देख सकते हैं सऊदी अरब के अंदर आज भी 35 न्यू केस निकले हैं, 51 लोग ठीक हुए हैं और 4 लोगों की सऊदी अरब के अंदर मौत भी हुआ है। बाकी 141 केस जो कि आईसीयू में रखा गया। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, सऊदी अरब में कोरोना के लेकर के कोई भी बुरी अपडेट नहीं है। चलिए इसी के साथ और अपडेट की मैं जानकारी आपको दे दूं, जो कि इसका भी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूं, जिनको कि आप खुद भी देख सकते हैं। इंडिया से नॉन स्टॉप फ्लाइट आपको अभी मिल जाएगा। जिनको अगर डायरेक्ट फ्लाइट की टिकट बुकिंग कराना है, आपको दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट रियाद जाने के लिए मिल जाएगा। जी हाँ मेरे भाई, अगर जिनको हैदराबाद से रियाद जाना है, उनके लिए भी फ्लाइट की टिकट अवेलेबल है। जो लोग अगर एयर इंडिया एक्सप्रेस की टिकट अगर बुकिंग कराने के लिए सोच रहे हैं, तो वो लोग जो कि डायरेक्ट फ्लाइट लेकर के जा सकते हैं। जो लोग सऊदी अरब से दोनों कोरोना का वैक्सीन इंडिया लगा करके आए हैं, अभी वो लोग डायरेक्ट जाना चाहते हैं, उन्हीं लोग इन टिकट की फ़्लाइट की बुकिंग करवा सकते हैं। चलिए इसी के साथ और अपडेट की मैं जानकारी दे दूं, जो कि इसका भी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूं, जिनको कि आप खुद भी देख सकते हैं। भारत से कुवैत जाने के लिए डायरेक्ट फ्लाइट, अगर जिनको टिकट अभी बुकिंग कराना है, वो लोग भारत से भी कुवैत जाने के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की टिकट अभी बुकिंग करवा सकते हैं। लेकिन जो लोग इंडिया में कोरोना का वैक्सीन लगा करके बैठे हैं, उन्हीं लोगों के लिए अगर जिनको कुवैत अगर जाना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, जो भी नियम कानून बताया गया है, सारे नियम कानून को आपको फॉलो करना होगा, उसके बाद आप इंडिया से कुवैत के लिए डायरेक्ट जा सकते हैं। जी हाँ मेरे भाई, अगर जिनको जाना होगा तो इस तरीके से फ़्लाइट लेकर के डायरेक्ट जा सकते हैं अभी। तो खैर, उम्मीद होगा मेरे भाई आपको सारा बात बहुत ही अच्छे से और डिटेल से मैं आपको समझ में आ गया होगा। सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट, खैर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। खैर इंशाल्लाह फ़्लाइट से रिलेटेड कोई भी अगर न्यू अपडेट अगर आता है आपके लिए, तो ज़रूर से ज़रूर मैं आपको इस चैनल के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा। बाकी चैनल पर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को बटन आप लोग ऑन करके रखिएगा।